झारखंड में विधानसभा चुनाव अब चरम पर पहुंच चुकी है। आज मैं झारखंड के एक विधानसभा क्षेत्र जो झारिया विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उस झारिया विधानसभा क्षेत्र के खूनी संघर्ष के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मेरा आप देख रहे हैं द बीएनवाई न्यूज और मैं विवेकानंद यादव। तो बिहार से अलग हुए झारखंड प्रदेश में कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन एक धनबाद जिला अंतर्गत एक झारिया विधानसभा क्षेत्र है, जिस झारिया विधानसभा के प्रतिनिधित्व 1977 से लेके अब तक एक परिवार के लोग ही किए, केवल 5 साल के कार्यकाल के लिए दूसरे परिवार के लोग आए, दूसरे बिरादरी के लोग आए, लेकिन 1977 से लेके अब तक एक ही परिवार के इर्द गिर्द झारिया विधानसभा क्षेत्र घूमता रहा और उसी परिवार के लोग विधायक में जीतते रहे। अब फिर एक बार उस झारिया विधानसभा में जबरदस्त संघर्ष होने की संभावना बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार रागिनी सिंह है, जिसके पति अभी वर्तमान में विधायक हैं, जिनका नाम है संजीव सिंह, और कांग्रेस ने टिकट दिया है पूर्णिमा सिंह को, जिसके पति का नाम है स्वर्गीय नीरज सिंह, जो डिप्टी मेयर थे। अब दोनों एक ही परिवार की बहू है। संजीव सिंह के चचेरे भाई नीरज सिंह, सूरजदेव नारायण सिंह 1977 में सबसे पहले झारिया के विधायक बने और वो लगातार विधायक बनते रहे 4 बार। उनकी मृत्यु होती है, उसके बाद उनके भाई बच्चा सिंह चुनाव जीतते हैं, उसके बाद सूरजदेव सिंह की पत्नी चुनाव जीतती है कुंती सिंह, उसके बाद सूरजदेव सिंह के बेटा संजीव सिंह चुनाव जीतते हैं। तो 1977 से लेके अब तक यानी कि 42 साल के अंदर 37 साल तक एक परिवार के इर्द गिर्द झारिया विधानसभा घूमता रहा। केवल एक बार आबो देवी विधायक बनी लालू प्रसाद यादव के पार्टी से। आबो देवी 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, 42 साल में 5 साल अगर आप कल कम करते हो तो 37 साल तक लगातार इस परिवार ने सत्ता का सुख भोगा, और इस सत्ता के सुख को भोगने के चक्कर में पिछले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार थे नीरज सिंह, जो डिप्टी मेयर थे धनबाद के, और बीजेपी के उम्मीदवार थे संजीव सिंह। कड़ा संघर्ष, कड़ी टक्कर होती है और उसमें बीजेपी के उम्मीदवार नीरज संजीव सिंह जीत जाते हैं, नीरज सिंह हार जाते हैं। दोनों अपने चचेरे भाई सूरजदेव नारायण सिंह के सगे भाई बच्चा सिंह के पुत्र नीरज सिंह और सूरजदेव सिंह के पुत्र संजीव सिंह। हार जीत का खेल हुआ, हार गए चुनाव नीरज सिंह की हत्या कर दी जाती है और 22 गोली नीरज सिंह के शरीर में लगता है, और जब पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर गोलियां निकाली जाएगी तो चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाएगा। और नीरज सिंह के हत्या के अभियुक्त बने विधायक संजीव सिंह,
जो वर्तमान में जेल में हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी रागिनी सिंह को उम्मीदवार बनाया और मृतक नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा जो शिक्षिका हुआ करती थी उसे कांग्रेस ने टिकट दिया। तो यह खूनी खेल परिवार के अंदर में जमकर प्रारंभ हो गया और एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या करवा दी सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, विधायक बनने के लिए। इसके पीछे अगर चले जाते हैं तो सूर्यदेव सिंह के जमाने में राजू यादव की हत्या करवा दी गई थी मुगल सराय में। राजू यादव झाड़िया के बहुत ही काबिल और होनहार नेता थे। यह डर था कि राजू यादव चुनाव लड़े और सूरजदेव बाबू की सत्ता हिल न जाए, तो मुगल सराय में उनकी हत्या हो गई। हत्या होने के बाद चुनाव हुआ, चुनाव में राजू सिंह के पत्नी आबो देवी को उम्मीदवार लालू जी ने बनाया, जो आबो देवी चुनाव जीती और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। झाड़िया के अंदर कुर्सी के लिए हत्या होना आम बात है। सूरजदेव सिंह के मरने के बाद उनके भाई बच्चा सिंह विधायक बने, लेकिन घर की माहौल गड़बड़ हो गई तो बच्चा सिंह के बाद सूरजदेव सिंह की पत्नी लड़ी असली वारिस, उसके बाद उसके बेटे लड़े और बेटा लड़े तो फिर बच्चा सिंह के बेटा जो डिप्टी मेयर थे वो चुनाव लड़े तो उनकी हत्या हो गई। अब फिर एक बार संजीव सिंह की पत्नी रागिनी देवी और मृतक नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा देवी खड़ी है। फिर एक बार आमने सामने लड़ाई हो चुकी है। इस लड़ाई के बाद क्या रिजल्ट निकल कर आता है कहना मुश्किल है, लेकिन एक पिछले चुनाव में दो सगे भाई लड़े तो एक की हत्या हो गई। अभी जेठानी और देवरानी की लड़ाई जबरदस्त रूप से चल रही है। अब इस देवरानी और जेठानी के लड़ाई में अब क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जनता अब क्या सोचती है, किसके तरफ जाती है, किसको साथ देती है यह तो वक्त बताएगा। लेकिन 77 से लेके अब तक झाड़िया विधानसभा में एक ही परिवार ने कुंडली बांधे रखा है और झाड़िया के माफिया डॉन कहे जाते थे सूरजदेव सिंह, उनके पुत्र लोगों की भी इतिहास हुई है। हत्या, कई हत्या का मामला इन परिवार के लोगों पर दर्ज है। पता नहीं क्यों जनता बार बार इसी परिवार को चुनती है। अब हत्या करने करवाने की जो आरोप लगते रहे वो आरोप के बाद अब खुद के भाइयों की भी हत्या का आरोप लगकर जेल चले गए, तो अब इससे विभस्त बात और क्या हो सकती है। फिर भी जनता इन लोगों को क्यों पसंद करती है यह झाड़िया की जनता ही जाने। और यहाँ की लड़ाई भी रोचक है, जेवीएम के भी उम्मीदवार हैं, आजसू के भी उम्मीदवार हैं, अन्य दलों के उम्मीदवार हैं, लेकिन अब रागिनी सिंह और पूर्णिमा सिंह की लड़ाई जबरदस्त है। माफियाओं का परिवार है, माफियाओं का खेल है जो 1977 से चला रहा है। एक बार आबो देवी जीती फिर कहानी समाप्त हुआ, वह घर बैठ गई, परिवार के लोग लड़ने लगे, जीतते रहे। अब इस बार जनता क्या करती है ये तो वक्त बताएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।